तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। यार 2 बजे दोपहर के, क्योंकि यार आज मैं बहुत लेट उठ गया था और घर पे भी कोई था नहीं, बस हम 3 लोग ही आज घर पे। तो यार मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं और थोड़ा लेट उठ लेंगे और लेट से नहाएंगे। तो यार अभी उठते ही मैं क्या सुन रहा हूँ कि इन लोगों ने बोला है कि मम्मी बोल के गई है कि घर का सारा काम आज मुझे करना है, मतलब खाना वाना बना के मम्मी गई है, पोछे पोछे देखे। लेकिन फिर भी यार देखो, ये एक्स्ट्रा जो ऊपर का काम होता है ना भाई, ये ना झाड़ू पोछे से भी ज़्यादा होता है। देखो कपड़े कैसे बिखर रखे हैं। ये मम्मी ने क्या बोला था, ये सारा सामान आपको सॉल्व सही करना है एकदम। भाई मैं क्यों करूँ, तुम भी मेरी हेल्प करोगे? नहीं, हमें तो बोला ही नहीं। देख रहे हो, हेल्प भी नहीं करने का बोल रहे हैं, इतना भी नहीं बोल सकते कि हेल्प करूँगा। तुम्हें हेल्प तो करनी पड़ेगी भाई। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ छोड़ो यार, देख लेते हैं, हम कर लेंगे और इनको भी थोड़े हेल्प ले ही लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जाते हैं, हम नहा के आते हैं सबसे पहले। तो अभी गाइस जो है, नहा धो के तैयार हो चुके हैं एकदम से। और अभी हमें क्या है कि बाल हमने बनाए नहीं, क्योंकि यार गीले बालों के अंदर अगर हम कंघी डालते हैं तो वो बाल जो टूटने का खतरा रहता है, तो इसके लिए हमने बाल नहीं बनाए। बाय द वे यार, आज मैंने पहना है ब्लैक टी शर्ट, क्योंकि यार आज मेरे को जाना है कटिंग करवाने के लिए। वैसे मैंने शाम को जाना है, वो तो दीदी आएगी तब। और अभी हम जो है ये वाला घर का जो काम है, पहले इस काम को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग बोलोगे सिर्फ कैमरे के सामने भाई तू काम कर रहा है, कैमरे के सामने काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कैमरे की बाहर की दुनिया में भी काम करता हूँ गाइस, मैं काम करता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मुझे पता है कुछ महायोगी लोग बोलेंगे कि भाई तू बस कैमरे के सामने घर का काम कर रहा है, तो हम काम करते हैं हम लोग। तो आज मेरी हेल्प कर रहा है संदीप, जो कि इसने बोला भैया मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं। और हमारे कैमरामैन शोक भाई, जो कि कुछ काम तो करते नहीं लेकिन लेकिन हमारी हेल्प कराते कैमरे पकड़ने के अंदर। तो गाइस रूम का काम पूरा हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं था, जस्ट 5 मिनट का काम था। ये देख लो, पूरा हमने सेट कर दिया है रूम को एकदम। तो गाइज अभी लगभग जो है काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सो गाइज अभी बजे हैं दिन के 4, वो देख लीजिए आप। और अभी लगी है मेरे को थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा खाना खा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिंचन, तो फिलहाल हम लेके आते हैं खाना, देखते हैं आज घर में क्या बना है। चलो भाई सबसे पहले यहाँ की लाइट ऑन कर देते हैं। तो आज मम्मी ने क्या बनाया है, तो गाइज देख सकते हो आज बनी अपने घर पर, ब्लर आ रहा होगा। तो गाइज गवार फली बनी है, तो चलो जल्दी से खाते हैं। भूख लगी भाई, थाली निकालते हैं पहले। चलो इसको बंद करते हैं। तो गाइस मैं लेता हूँ खाना, चलते हैं सीधा खाने की बात। तो गाइस अभी जो है दीदी आ गई है, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेके आई है वो। वैसे भी कुछ सामान लेके आई है तो हमें बुलाया नीचे, मतलब मेरे को कॉल किया था कि तेरे को नीचे आ, कुछ सामान है मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा ठीक है बस आ ही रहा हूँ। तो वो आ गई, देख लो। तो गाइस ये आ चुकी है, क्या लेके आई है? तेरे लिए ड्रेस और तूने जो जो मंगाया वो सब। तो गाइस देख लो अपना कुर्ता पजामा आ गया है। तो ये क्या लेके आई है? तूने तो बोला था। तो गाइस ये कुछ समोसे लेके आई है। चलो कोई बात नहीं गाइस, मम्मी को बहुत भूख लगी थी, उनके लिए सही है, उनके लिए एकदम सही है। मम्मी यहाँ पर सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? टीवी चल रहा है भाई, देखो इस घर में तो। न्यू ड्रेस कैसा है? देखो अपना न्यू ड्रेस, मतलब कि ड्रेस तो क्या बोलेंगे, न्यू कुर्ता पजामा। चलो इसको डाल के देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं, साइज वाइज है कि नहीं। कुछ इस टाइप से लग रहा है अभी यार, ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, बट ना मैं इसको पहले क्या फिटिंग करवाऊंगा, क्या कभी कभी साइज गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हम अपन को जो है ना टाइट करवाना पड़ेगा। तो अभी शाम को जाएंगे हम इसको पूरा टाइट करवाएंगे। तो गाइज ये देख सकते हो दीदी ये क्या क्या सामान उठा के लाया, इसको क्या बोलते हैं दीदी? स्क्रब। स्क्रब गाइज मेरे को तो कुछ पता चलता है नहीं इन चीजों के बारे में। तो गाइज आपको पता चलता है? नहीं यार पता नहीं ये क्या है, देखो आपको किसके लिए, ये किसके लिए लेके आई है? गाइस देखो डिटेन मेरे पे, इसको और हैंड पे भी होगी, इन पे करो यार कुछ मम्मी पे, मम्मी ये बड़ा अच्छा है, बताना जल्दी के अंदर पैकेट है। गाइस देखो एडी के लिए नहीं, ये तो मेरे को ब्रश लग रहा है, जल्दी के अंदर के पैकेट। लेकिन गाइस ये देखो, वाह, अगर ये आपको लेना है तो आपको आना पड़ेगा चोर बाजार। तो गाइस देख सकते हो मतलब क्या मजाक कर रहे हो भाई। गाइस देखो भैया क्या क्या करते रहते हैं। सो गाइस अभी जा मैं चेंज कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
तो गाइस अभी देख लो ये सब पैक कर दिया है वापस, ये देखो कुर्ता, और हम शाम को जाएंगे गाइस इनको सबको फिटिंग कराने के लिए। और फिलहाल के लिए देखते हैं मम्मी यहाँ से उठ के गए तो क्या बना रहे हैं वो देखते हैं, क्या कर रहे हैं मम्मी। मम्मी क्या कर रहे हो? कई करो मम्मी, क्या बना रहे हो? चाय बना दो आप। तो गाइस मम्मी जो है चाय बना रहे हैं तो देखते हैं। तो गाइस आपको एक बेस्ट व्यू देता हूँ आपको, देखो ये देखो गाइस। तो चाय बना रहे हो मम्मी? तो गाइस अभी बन गई है चाय, तो देखो चाय के साथ है हमारे पास कुछ नाश्ता। तो ये देखो ये सबसे पहले खाने भी लग गई, आते ही खुद ही ले गया ये, खाने भी लग गई। चाय पी लो रे। तो यहाँ पे देखो चाय मम्मी ने बनाई है। तो गाइस वी आर बैक, पानी मिला संजय को, पानी मिला। तो चाय कुछ नाश्ता है तो हम चाय के साथ नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तभी हम जो है जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, पहले बाल वाल कटवा के आते हैं। और मैं जा रहा हूँ दीदी के साथ, तो पीछे मैं ड्राइव करूंगा, वो थोड़ा आपको सिनेमैटिक शॉट वगैरह गाड़ी के शॉट आपको दिखाएगी। तो चलो चलते हैं अभी हम बाल कटवाने। भाई तो यहाँ पे चल रही है टीवी तो इसलिए आपको ये सारा शोर सुनाई दे रहा होगा। भाई मैं मैच इतना दिखाऊंगा कॉपीराइट आ जाएगा मेरे। तो चलो चलते हैं बाल कटवाने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसके बाल कटाने के लिए। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 8:19। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाल बाल कटाने के लिए, ठीक है फिर हम दुकान पे मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कटिंग कराने के लिए। तो ये प्रिंस यही कटिंग करता है भाई अपनी, एक और भाई है लेकिन यार वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बाहर गए थे यार भाई। तो भाई जल्दी कर देना यार, थोड़ा लेट हो रहा है। चलो फिर कटिंग के बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस अभी मैं जो है घर आ चुका हूँ। ये देखो यार इसके अंदर फ्यूल भी पूरा ख़त्म हो गया है, तो इसको जो है कल भरवा देंगे। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। क्या कर देना? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।